हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक डुप्लेक्स 2 BHK का मकान, जो कि है शांति विहार फेज 3 में, जिसके सामने आपको 17 फिट का रोड मिल जाएगा। पार्किंग है यहाँ पे, आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। डुप्लेक्स मकान है, 72 गज में बना हुआ है, 72 गज में स्टेयर्स। सोलह बाई 39 में ये मकान बना हुआ है, रेडी टू मूव है, कभी भी आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। सेमी मॉड्यूलर आप में आपको इसमें किचन मिल जाएगी। किचन, डाइनिंग और ड्राइंग रूम कंबाइंड है साथ में। सामने आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा, जिसमें LED पैनल का वर्क हुआ हुआ है। ऊपर पूरी फॉल सीलिंग है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आपको बाहर से मिल जाएगी एक सेपरेट पोर्च से, जो कि एंट्रेंस बाहर से पोर्च से आएगी, और एक एंट्रेंस आपको सीधा सामने से देखने को मिलेगी। एक एंट्रेंस ये है जिससे हम अभी एंटर हुए स्टेयर्स के पास से। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम देखने को मिलेगा। ये वाला टॉयलेट बाथरूम कॉमन है, जो कि ड्राइंग रूम वाले भी यूज कर सकते हैं और आपका बेडरूम वाले भी यूज कर सकते हैं। वन रूम सेट नीचे बना हुआ है, वन रूम सेट ऊपर बना हुआ है। सेमी मॉड्यूलर किचन है, रैक वगैरह जिसमें लगे हुए हैं। मॉड्यूलर वर्क आपको देखने को मिलेगा, प्लस वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा हुआ है मकान के अंदर। सामने आपको एक बड़ी विंडो मिल जाएगी ड्राइंग रूम से। फिर ये आपको इसमें नीचे एक मास्टर बेडरूम मिलेगा। ये मास्टर बेडरूम है, जिसमें पीछे से डक दी हुई है और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये आप इसको अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हो, वॉशिंग एरिया के लिए भी ये डक बनाई हुई है। ये आ जाएगा आपका वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आपकी कोई भी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। प्लस बेडरूम में ही अलमीरा दी है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें आपका काफ़ी सारा सामान आ सकता है। काफी स्पेशियस अलमीरा है। लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोन कराना चाहोगे तो आपको लोन हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। रेडी टू मूव है मकान, कभी भी आप शिफ्ट कर सकते हो, वेट करने की जरूरत नहीं। स्टेयर से आपको ऊपर लेके चलेंगे। ऊपर इसमें वन रूम सेट बना हुआ है, वन बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम। ऊपर टेरेस भी मिल जाएगा आपको। स्टेयर से ऊपर आने के बाद आप देख रहे होंगे, हम यहाँ से स्टेयर से भी ऊपर आए। ऊपर स्टेयर से आने के बाद सामने आपको ग्लेजिंग मिलेगी, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, आप यहाँ पे किसी भी तरह से इस स्पेस को यूज कर सकते हो। ये बाहर आपको पूरा टेरेस मिल जाएगा, टेरेस में टाइल का वर्क हुआ हुआ है। फिर ये ऊपर एक बेडरूम, किचन और टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगी। आप रेंट पर्पज से देना चाहो, ऊपर रेंट पर्पज से दे सकते हो, नीचे आप खुद रह सकते हो। ये ऊपर का टॉयलेट बाथरूम, ये ऊपर बेडरूम आ जाएगा। टाइल वर्क बहुत अच्छा हुआ है, बाकी बहुत कलरफुल हाउस है, बहुत अच्छे कलर इस्तेमाल हुए हैं मकान के अंदर, जो काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। बाकी अलमीरा जैसे नीचे आपको दिखाई थी, इसी तरह से सेम ऊपर भी है, काफ़ी स्पेशियस है। ये डक से वेंटिलेशन आ जाएगा ऊपर वाले बेडरूम का। सेम अलमीरा जैसे नीचे थी, इसी तरह से ऊपर इसमें भी काफ़ी स्पेस होगा। सेम एज इट इज इसी तरह से बनी हुई है। साथ ही में बगल में किचन मिल जाएगी बेडरूम के बगल में। बाकी ये पूरा कवर्ड है, बेडरूम और किचन के सामने से एरिया पूरा कवर्ड है लिंटर के साथ, जिसमें कि POP वर्क हुआ हुआ है।
बाकी बारिश बारिश की कोई दिक्कत नहीं है, अगर बारिश आती है तो आप अपना आराम से यहाँ पे चेयर वगैरह लगा के बैठ सकते हो। खुले में बैठना हो तो बाहर टेरेस मिल जाएगा, ये पूरा टेरेस है जिसमें कि आप शाम वगैरह को अपना एंजॉय कर सकते हो। फिर ये साथ में किचन आ जाएगी, सेम एज इट इज़ जैसे नीचे किचन बनी हुई है एज इट इज़ उसी तरह की किचन ऊपर आपको मिलेगी, सेमी मॉडलर, इसमें रैक वगैरह का इस्तेमाल हुआ हुआ है। बाकी अगर आप हाउस के लिए इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो यह है शांति विहार फेज 3 में, मेन हरिद्वार बाईपास से मात्र 700 मीटर अंदर। हरिद्वार बाईपास पे ट्रेंड्स के सामने से इसका रास्ता जाता है महिंद्रा शोरूम के बैक साइड में। फेज 3 लेन नंबर 2 में है, 17 फिट का रोड है मकान के सामने। बाकी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करना, और इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके मकान को विजिट कर सकते हो, और अगर किसी के लिए आपको चाहिए हो तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।